हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ जो अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी का डाइट शेयर करूंगी कि मैं उस समय क्या खाती थी और क्या नहीं खाती थी। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ट्विंस प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, आपसे बोला जाता है कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत ज्यादा खाना है, आपको दो लोगों के बराबर खाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको उतना ही खाना है जितनी आपको भूख लगे, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग ही खाना है। और कैल्शियम और आयरन की आपको दो टेबलेट लेने की भी जरूरत नहीं है। आप एक टेबलेट लें कैल्शियम की और एक आयरन की, पर आप उसको जो है प्रॉपर लें, कंटिन्यू लें, ठीक है। और ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो स्टार्टिंग के जो मंथ थे, लगभग थ्री से फोर मंथ, तो उस समय जो है मेरी कोई भी प्रॉपर डाइट नहीं थी। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जो अच्छा लगता था सिर्फ मैं वही खाती थी। क्योंकि होता क्या था कि स्टार्टिंग में मुझे वोमिटिंग होती, बहुत ज्यादा महक भी लगती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें पसंद भी नहीं आती थी। और मुझे सबसे ज्यादा जो है उस समय चटपटा ही अच्छा लगता था, तो मैं ज्यादातर वही खाती थी जो मुझे पसंद आता था। और स्टार्टिंग में मैं ज्यादातर फ्रूट खाती थी, और खाने में मैं जो है ज्यादा मुझे छोले चावल बहुत अच्छे लगते थे, और मैं दाल चावल खाती थी मतलब, और जो है आलू के पराठे हैं, आलू की कचौड़ी, ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद था स्टार्टिंग में। और जो बेसन के भल्ले होते हैं ना, वो मैं बहुत ज्यादा उस समय पसंद करती थी। तो स्टार्टिंग में मैं ज्यादातर वही खाती थी जो मुझे पसंद आता था। स्टार्टिंग में मेरी कोई भी प्रॉपर डाइट नहीं थी। स्टार्टिंग में मुझे वोमिटिंग होने की वजह से मैं दूध वगैरह नहीं पी पाती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन मैं जो है जूस जरूर पीती थी स्टार्टिंग में। और फ्रूट्स में मैं जो है सबसे ज्यादा अनार है, सेब है और केला है, यही जो फ्रूट्स थे जो मुझे पसंद आते थे वो मैं खाती थी। और मैं फ्रूट्स थोड़ा ज्यादा ही खाती थी क्योंकि मैं उस स्टार्टिंग के मंथ में खाना थोड़ा कम ही खाती थी। तो उसके बाद में मेरी जो प्रॉपर डाइट थी वो मेरी 5 मंथ से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 5 मंथ से जो है हम महक वगैरह मुझे लगना बंद हो गई थी, और जो वोमिटिंग वगैरह आती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो इसलिए मुझे जो है फिर भूख भी अच्छे से लगने लगी थी। तो इसलिए मैंने जो है 5 मंथ से प्रॉपर खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं 5 मंथ होने के बाद में मैं सुबह उठती थी, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले फिर मैं एक ग्लास दूध लेती थी जिसमें मैं एक चम्मच प्रोटीन एक्स पाउडर डालती थी, और एक सेब खाती थी सुबह। और बस मेरा सुबह जो है इतना ही रहता था, और इतने से मेरा पेट भर जाता। मैं उस समय जल्दी उठ जाती थी, नींद नहीं आती थी ज्यादा, तो मैं सुबह इतना नाश्ता सुबह 6 बजे उठ के कर लेती थी। और उसके बाद जो है मैं 8 साढ़े 8 बजे तक ब्रेकफास्ट में जैसे कभी पोहे बना लेती थी, तो कभी चने बना लेती थी, कभी सैंडविच, और कभी दलिया है वेजिटेबल डाल के बना लेती थी, तो कभी मीठा दलिया, कभी सब्जी पराठा। मैं इस तरीके से हैवी नाश्ता बनाती थी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लगना भी स्टार्ट हो गई थी। और मैं फिर 8:30 बजे वो खा लेती थी प्रॉपर। और उसके बाद जो है खाने के बाद में मैं जो दोपहर में क्या करती थी, लगभग 1 से 1:30 बजे मैं फिर से फ्रूट वगैरह लेती थी। फ्रूट में जो भी मुझे पसंद था, मतलब सीजन जो भी उस समय चलता था, जो तरबूज हो या फिर खरबूजा हो, या खाने में मैं जो है कोशिश करती कि मैं हेल्दी खाना ही खाऊं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कोई भी प्रॉपर जो है हेल्दी चीजें नहीं खा पाई थी, तो प्रॉपर कुछ भी नहीं कर पाया था। तो मैं खाने में क्या करती थी कि, और सब्जी में मैं हरी सब्जी खाने की पूरी कोशिश करती थी, जिसमें मैं पालक भी खाती थी, क्योंकि पालक जो है बहुत ज्यादा फायदा करती है उस समय, और क्योंकि पालक में अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, और उस समय मुझे पालक पसंद भी बहुत थी। तो मैं मुझे ज्यादातर पालक पनीर पसंद आता था, जो पालक को पीस के सब्जी बनाते हैं आलू डाल के, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं ज्यादातर वो जरूर बनाती थी। और जो है उसके बाद में जो भी पत्तेदार सब्जियां चलती थी, सब्जियों में मैं भिंडी भिंडी खाती थी, और भिंडी की सब्जी मुझे पसंद थी उस समय, मुझे सागा जो आता है वो पसंद था, लेती थी दाल, मतलब सारी दालों में से मैं जो है बदल बदल के दाल खाती थी, तो कभी अरहर की दाल, कभी मूंग की दाल इस तरीके से, तो कभी मिक्स दाल बना लेती थी क्योंकि मुझे दाल उस समय पसंद आती थी। और दाल खानी भी चाहिए क्योंकि दालों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और मैं दाल में जो है 2 चम्मच घी भी डाल लेती थी, और क्योंकि मुझे उस समय घी डाल के दाल बहुत अच्छी लगती थी, और घी फायदा भी बहुत करता है।
और उसके बाद में मैं हरी सब्जियां लेती थी, सब्जी लौकी है और तोरई है ये सब मैं खाती थी और बैंगन भी खा लेती थी, मुझे ये सब पसंद आता था। और मुझे जो है कटहल उस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मतलब उसको देख के ही अजीब सा फील होता था, मैंने कटहल बिल्कुल भी नहीं खाया। जो दरेरी बोलते हैं जिनको, वो भी बिल्कुल नहीं पसंद थी, मैं वो भी नहीं खाती थी। और बाकी मैं सब्जियां जो मुझे पसंद आती थी वो मैं खा लेती थी। और मुझे कुछ भी खाने का मन करता था, कभी कभी मुझे उस समय जो है फूले बहुत पसंद आते थे, जो मक्का के होते हैं पॉपकॉर्न जिसे हम बोलते हैं, मैं वो खाती थी। कभी कभी जो है मैं जो उस समय कच्ची गरी आती है मैं वो भी खाती थी, क्योंकि मुझे वो उस समय बहुत अच्छी लगती थी और वो फायदा भी बहुत करती है। उसके बाद में जो है सर्दियों में जब मेरा टाइम आया था सेवन मंथ के बाद में मुझे थोड़ा सा अपनी डाइट को जो है और ज्यादा बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि सेवन मंथ में जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरे बेबी का वेट बहुत कम था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पेशली अपना ध्यान रखना पड़ा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेवन मंथ के बाद मेरी प्रॉपर डाइट क्या थी। तो सेवन मंथ के बाद में जब क्या करती थी, मैं सुबह 6 बजे जो है एक बड़ा ग्लास लेती थी जिसमें 1 चम्मच भर के प्रोटीन एक्स पाउडर डालती थी, और साथ में फिर मैंने 2 सेब खाना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद में मैं 8-8:30 बजे नाश्ता कर लेती थी, और नाश्ते में मैं आपको बता ही चुकी हूँ मैं कोशिश करती थी कि नाश्ता हेल्दी से हेल्दी हो। और उसके बाद में फिर मैं जो है दोपहर में 1 से 1.5 बजे फिर से एक ग्लास दूध ले लेती थी, और उसके बाद में मैं फिर जो है 2:30 से 3 बजे खाना खाती थी। खाने में जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ हेल्दी से हेल्दी खाना खाने की कोशिश करती थी। हेल्दी खाने से क्या होता है कि हमारा जो बेबी का वेट अच्छा गेन होता है, और अगर हम जितना अच्छा खाएंगे बेबी का जो है विकास उतना ही अच्छा होता है। तो ये हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम ज्यादा उल्टा सीधा खाते हैं तो जो है बेबी, इससे बेबी को कोई भी फायदा नहीं होता है। शाम को 6 से 7 बजे फिर से एक गिलास दूध ले लेती थी, और उसके बाद में मैं खाना खा लेती थी। और 7 मंथ के बाद में मैंने जो ये था ये मैंने प्रॉपर रखा लगभग 1 से 1.5 महीने, और 7 मंथ के बाद मैंने रोटियां कम कर दी थी, क्योंकि आपको पता है 7 मंथ के बाद में पेट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो रोटी ज्यादा खाने से पेट बहुत ज्यादा भरा भरा रहता है, और मुझे बेबी का वेट गेन करना था तो इसलिए मैं रोटी ज्यादा ना खा के सब्जी और दाल ज्यादा लेती थी प्रॉपर। और मैं फिर खाने में जो है दही भी लेती थी, और क्योंकि दही मुझे उस समय बहुत अच्छा लगता था। और लगभग 7 महीने से लेके 8.5 महीने तक मेरी यही प्रॉपर डाइट रही थी, और इसमें जो कीवी फल भी ऐड कर दिया था जिसे मैं कंटिन्यू खाती थी। और उसके बाद में मैं सलाद भी लेती थी, सलाद में मैं जो है खीरा ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और सलाद उस समय फायदा भी बहुत करता है। खीरा है, चुकंदर है, और प्याज टमाटर गाजर जो भी चलता था सीजन के अकॉर्डिंग। तो और मुझे चुकंदर जो है खाने के साथ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं चुकंदर खाने के साथ नहीं खा के मैं खाने से पहले ही खा लेती थी। चुकंदर को मैं जो है नींबू डाल के और नमक लगा के खाती थी, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें अगर आपको नहीं पसंद है। और एक बात और कहूंगी आपसे, बात में तो मैंने इतना ज्यादा नहीं किया था कि मतलब उस समय मुझे जो पसंद आता था वही खाती थी, फिर मैंने जो है बाद में जो बाहर की चीजें थी तली वगैरह, मतलब गोलगप्पे हैं, टिक्की हैं, समोसे हैं, ये मैंने 5 मंथ से बहुत ही कम कर दिए थे, क्योंकि फिर मेरा मन भी नहीं करता था और मैं बिल्कुल भी बहुत ही कम खाती थी बाई चांस। और आपसे भी यही कहूंगी कि स्टार्टिंग में इतना नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ बाद में आप कोशिश करें कि आप बाहर की चीजें कम ही खाएं, क्योंकि ये सब चीजें उस समय बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं और इससे जो है कोई भी फायदा नहीं होता है। कभी कभी आइसक्रीम भी खा लेती थी, लेकिन मैंने आइसक्रीम बहुत ही कम खाई है, क्योंकि मुझे आइसक्रीम उस समय ज्यादा सूट नहीं करती है, मुझे खांसी और जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से मैं आइसक्रीम मैंने बहुत ही 1 या 2 बार ही खाई थी। और हाँ, अगर आपका इस समय कोई भी मन करता है तो आप मन को ना मारें, आप जरूर खाएं, लेकिन बस थोड़ा सा बैलेंस बना के खाएं। और जो है इस समय मुझे फ्रूट में आम बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो मैं आम बहुत वाइड चांस लेती थी और मैंने आम ज्यादा नहीं खाए, और आम जो है गर्म भी होते हैं, तो आम हमको प्रेगनेंसी में ज्यादा खाने भी नहीं चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।